जी आप मदद मेरी सिर्फ ये कर सकते हैं कि मैं ये चाहूंगा कि जाते जागते अगर मुझे कुछ हो भी तो मैं अपने देशवासियों को अपडेट करके जाऊं। मेरा मकसद जहां तक लास्ट यही रहेगा, जान बचना ना बनना बचना भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अपडेट सबको देख के जाऊं लास्ट में। यही कर सकता हूँ भारत के लिए फिलहाल सिर्फ, मैं कि अपडेट दे सकता हूँ यहाँ से लाइव जी। मैं अपना ध्यान रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी मदद एक टाइप से कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कौन सी जेजीपी पे हो, जेजी जगह पे हो? मैं खार्किव में यूक्रेन में हूँ, रशिया के 50 किलोमीटर इधर। मैं बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, जो मेरे प्राइवेट पुराने फॉलोअर्स हैं वो नए फॉलोअर्स को रिप्लाई दीजिएगा प्लीज, उनको बात बताइएगा मैं कहाँ से हूँ। मुझसे बोलने में थोड़ा मेरा सुबह से मैं लाइव आके गला सूख चुका है मेरा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना और अपने मित्रगणों का आत्मबल बढ़ाने की। मेरा एक दोस्त है क्यू में, विक्रांत ब्राह्मण, उसने वहाँ की मैं सिचुएशन एनालाइज कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे खार्किव में भी हैं, अभी यहाँ पे हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई है, एम्यूनेशन फायरिंग हुई है, उनसे भी मैं अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमें एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराया गया है यूक्रेन का, वो टेलीग्राम चैनल है जिसमें 10,000 से ज़्यादा यूक्रेनियन लोग हैं, तो मैं वहाँ से अपडेट रहता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं एक बार फिर से एक बार चेक करना चाहूँगा कि कहीं बॉर्डर पे कहीं बंकर में जाने के ऑर्डर तो नहीं आए हैं, एक बार देखना चाहूँगा। मित्रों माफ़ कीजिएगा, जी मेरे घर में फिलहाल गड्ढे ही बंकर है मेरी पे। मैंने बंकर की वीडियो दिखाई थी जो पहले फॉलोअर्स है मेरे, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा अगर बंकर की वीडियो कहीं मुझे मिली तो। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाइएगा। जी पूजा जी आपकी सिस्टर भी है, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे सभी जो विद्यार्थी हैं वो स्ट्रोंग बने हुए हैं, अपना आत्मबल गिरने नहीं दे रहे। जो लड़कियाँ हैं वो थोड़ी घबराई हुई हैं, लड़के हैं वो थोड़ा स्ट्रोंग बने हुए हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इस समय मैं अपनी भारत सरकार पे या अपने भारतीय एम्बेसी पे बोझ ना बनूँ, उनकी दिक्कतें और ना बढ़ाऊँ उनको बार बार फ़ोन करके। मैं यही चाहूँगा कि उनको गाइडलाइंस को फॉलो करूँ, उनको बार बार फ़ोन ना करूँ मैं किसी भी नंबर पर जिससे उनकी मुसीबत ना बढ़े। मैंने एक बार अपनी डिटेल एम्बेसी को भेज दी है, अगर मैं उनको बार बार कॉल करता हूँ या भारत सरकार पे दबाव बनाता हूँ तो ये उनकी दिक्कतें बढ़ाने की बजाय, उनकी दिक्कतों घटाने की बजाय बढ़ाएगा ही। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि इवैक्यूएट करना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार को भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, इवैक्यूएशन से पहले, तो उनमें समय लगता है क्योंकि उनको सीज फायरिंग के ऑर्डर लेने पड़ते हैं, इस वजह से उनको थोड़ा टाइम लगेगा हमें इवैक्यूएट करने में। तब तक कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रह सकूँ, सुकून से रह सकूँ। सुकून तो खैर नहीं है यहाँ पे, अभी बिल्कुल सुकून नहीं है। अभी मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ जो अभी फिलहाल कंडीशन चली हुई है। अभी यहाँ पर आप घंटे दो घंटे में भारी बमबारी हो रही है, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं मैंने उनको दिखाया भी था। धन्यवाद अनिल जी मेरी उनका रिप्लाई करने के लिए। अब मेरे जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको रिप्लाई करते रहने का, रिप्लाई करते रहिएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मेरी जुबान थूक नहीं सूखेगा मेरा हरियाणवी में बोलूँ तो अपनी। तो मैं बता रहा था कि घंटे दो घंटे में हर बार बमबारी हो रही है भारी, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं मैंने उनको लाल आसमान होता दिखाया है, बिल्कुल लाल, बिल्कुल जैसे दिन की रोशनी होती है ऐसे लाल था आसमान। मुझे एक बार बाहर की तरफ एनालाइज करना पड़ेगा कि सभी ने अपनी लाइटें बंद कर ली है क्या, मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा मित्रों। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का मंजर दिखा देता हूँ, शांत रहने की कोशिश करूंगा, सुन पाए आप। वो देखिए उस साइड आसमान लाल पड़ा है,
देखिए वो वहां पे युद्ध हो रहा है, आसमान बिल्कुल लाल हो रखा है वहां पे। जितनी भी शॉप्स है सारी बंद पड़ी हैं, लोग बंकरों में घुसे हुए हैं। देखिए पूरे सारे अपार्टमेंट्स की लाइट बंद है मेरे को छोड़ के, एक ये नीचे वाले हैं जो पड़ोसी है मेरे, ये इनकी लाइट ऑन है। सामने वाली बिल्डिंग में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ दो तीन लाइटें जगी हुई हैं, बाकी सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सारी खाली पड़ी है। एक दो तीन लाइट जली है हर बिल्डिंग में, ये खतरा हो सकता है हमारे लिए थोड़ा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। एम्यूनेशन जो भी होगा, जो भी हमला होगा आपको लाइव दिखाऊंगा मैं, जो भी लड़ाई होगी या जो भी धमाके की आवाज़ होगी। भाई एक बाइक की स्प्लेंडर उठ गई है, एक रिकमेंड में HR 13R 6082, किसी भाई को मिले तो जरूर वापिस जरूर देना, भाई की स्प्लेंडर उठ गई है। भाई लाइट ऑफ कर ले लो, डर लग रहा है क्या? डर देखिए डर मैं पहले दो तीन दिन डर लगा था, लेकिन रोज गोले बारूद की आवाज़ सुन के आदत सी पड़ चुकी है, अब इतना डर नहीं लगता। पहले शुरू में डर लगा था सच बताऊँ तो, लेकिन ना डरना भी एक बेवकूफ़ी है, बारूद से ना डरना एक बेवकूफ़ी है। मैं चाहूँगा कि मेरे कान सतर्क रहें। जी मैं भारत की बिल्कुल निंदा नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने बहुत बहुत, कोई भी देश नहीं होगा जो अपने भारतीय हैं विद्यार्थी हैं उनको ऐसे इवैक्यूएट करेगा इस सिचुएशन से, लेकिन भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे हमें इस सिचुएशन से भी निकाल पाएंगे। देख लीजिए उनकी हिम्मत है, जो इंडियन आर्मी की हिम्मत है, भारत सरकार की हिम्मत है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल पाएंगे। मैं भारत की निंदा बिल्कुल नहीं करूंगा, देखिए ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए इवैक्यूएशन वाले। देख लिया हमला हर दो तीन घंटे में होता है, हर दो तीन घंटे में दोबारा से वो अपनी गोलियां एम्यूनेशन रिप्लेनिश करके, मतलब दोबारा से भर के दोबारा फिर हमला करते हैं, दोबारा फिर यूक्रेन अपोज करता है। फिर दो तीन जगह है खारकेव में भी जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ के 20-30 किलोमीटर के दायरे में भी बम फटे हैं। खारकेव से हूँ मैं, अब मेरी लोकेशन रशिया से 50 किलोमीटर इधर है बॉर्डर से। जी मैं मोबाइल चार्ज लगा के बैठा हूँ, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, थोड़ा सेफ्टी रहेगी मेरे लिए। जी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जी, अंकित जी मैं हमला, देखिए मेरा मकसद मेन है कि अपडेट रखना कि भारतीय वासियों को, अपने हरियाणा वासियों को, मैं सेफ्टी के साथ साथ कोशिश यही रहेगी कि सेफ भी रहूं और मैं अपना सिचुएशन एनालाइज करके आप लोगों को बताता भी रहूं। जल्दी से जल्दी शेयर ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, अपने हरियाणवी भाइयों तक, मेरे जो यार मित्र दोस्त हैं उन तक। देखिए मौत का आना ना आना ये भगवान की इच्छा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, कल मुझे हो जाता है तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा कि उनकी गलती थी, उन्होंने पूरी कोशिश की। ये मैं कोशिश ये करूंगा कि सेफली रहूं, सेफ्टी में रहूं जितना हो सके, सर्वाइव करने की कोशिश करूं, लेकिन इसमें बिल्कुल भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। देखिए सुबह तक ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, देखिए युद्ध है, ये दो तीन भी चल सकता है, दो महीने भी चल सकता है, दो साल भी चल सकता है, युद्ध का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर रशिया ने कुछ ज़्यादा ही किया तो ये एक दिन में भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि रशिया के पास इतने हथियार और गोला बारूद है। हरियाणा से मैं पानीपत जटीपुर गाँव से अंकुश रोल हूँ, मैं 5वें साल का विद्यार्थी था अभी, मेरा 1 साल में MBBS पूरा होने वाला था। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, भाई माहौल ऐसा है कि हर दो घंटे में, जो मेरे पुराने मित्रगण हैं जो लाइव में, वो जवाब दे दीजिएगा प्लीज कमेंटों का, जो आप जानते हैं।
ताकि मुझे ज्यादा बोलना ना पड़े, वो मेरा जो मुंह है वो सूख ना जाए। देखिए लाइट ऑफ कर लो सिक्योरिटी के लिए। जी मैं कोशिश यही करूंगा कि हरियाणा के किस जिले से हूँ। मैं हरियाणा से, मैं पानीपत से हूँ जी, जटीपुर गांव से। हाँ जी मैंने देखा वो लड़की बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी, इसलिए उसने भारत सरकार की निंदा की है। वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन भारत सरकार ने भी थोड़ी गलती कर सकते, लेकिन मैं निंदा किसी की नहीं करूंगा। देखिए हम अपने अपनी इच्छा से आए थे यहाँ पे, भारत सरकार ने हमें यहाँ नहीं भेजा था। फंस गए हैं तो भारत सरकार बचाने की कोशिश करिए, लेकिन मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करे, किसी अपने भाई बंधु की जान को खतरा ना हो, जैसे उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान से बहादुरी से लोगों को निकाला, महफूजी से यहाँ से भी महफूज करके निकाले। फेयर के साथ साथ फेयर की भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेन दिक्कत बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या हुई। जैसे फ्लाइट्स थे वो लिमिटेड फ्लाइट्स थी और स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा था, तो जो भी फ्लाइट बुक करने जा रहा था तो उसको फुल दिखा रही थी फ्लाइट, और जो आने वाली फ्लाइट्स थी वो 20 तारीख से पहले कोई फ्लाइट मिल नहीं रही थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा भारतीय छात्र फंस गए थे। निकलने की कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन मेन बात रह गई कि कुछ लोगों का जो था जो फ्लाइट का फेयर ज़्यादा था, दूसरा बात रह गई कि फ्लाइट का नंबर ज़्यादा था, सीटें कम थी फ्लाइट में। जी मैं अकेला रहता हूँ, मैं 3-4 साल से अकेला रह रहा हूँ अपार्टमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं, ये देखिए मैं कल पढ़ रहा था अभी तक थोड़े दिन तक, ये मेरे नोट्स प्रिपेयर किए थे मैंने कुछ, ये कुछ काम नहीं आएंगे अभी, थोड़े दिन तक मैं स्टडी कर रहा था आराम से और एकदम से ये हो गया, देख लीजिए। देखिए संजीव चौधरी जी, मैं अपडेट होने के लिए अपना टैब का यूज करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक चैनल है टेलीग्राम पे खारकेव का, वो पूरी अपडेट देता है यूक्रेन के बारे में, पल दो पल की। वो बात करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ का जो प्रधानमंत्री था जेलेंस्की, उसने बात करने की कोशिश की पुतिन से, लेकिन पुतिन ने साफ साफ मना कर दिया ये बोलते हुए कि हथियार डाल के आकर कर बात करना चाहो तो कर सकते हो, जिस पे जेलेंस्की भी फिलहाल खुद अपना मैदान में उतरे हैं। जी हौसला, धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी हर 2 घंटे। अब देखिए ये खबर पढ़ लीजिए आप, द ऑक्यूपायर्स बिगेन शूटिंग सिविलियंस, जो रशियन है वो सिविलियंस को भी मार रहे हैं। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द हेड ऑफ द सोलविस्का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन सुमी रीजन, एक सुमी रीजन है जो कब्जे में ले लिया है। जितने भी लोग रास्ते में आ रहे हैं सभी को गोली, सभी पे गोलियां बरसा रही हैं, ऐसे दिखाया जा रहा है। जो एक टैक्सी ड्राइवर था वो सर्जरी में, सर्जरी करा रहा है फिलहाल, सर्जरी चल रही है उसकी। देखिए न्यूज चैनल है, इसमें थोड़ा मैं न्यूज देख लेता हूँ जो फिलहाल खड़के में चली हुई है, वो मुझे अपडेट रखेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद संजय जी, सेफ रहूँगा। हाँ जी लोग बहुत बहुत भयंकर मात्रा में जो है, जो मृत्यु की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए कि ये रशियन सोल्जर पकड़ा है उन्होंने, побывали в Мариуполе, побывали в Широкино, побывали в Павлополь, побывали в Гну.
देख पा रहे होंगे एक सोल्जर पकड़ा है, उसकी आंख पे पट्टी पन्नी वाली पकड़ी। 4 декабря 2002 года рождения, родился в Саратовской области, городе Петровске, подразделение инженер-саперной роты, я в Псковской, скачать 201-701. Поехали, кого-то. У тебя есть родители? Есть. Скажи им, что ты хочешь им передать. Тебе нужна война в Украине? Нет. Хорошо. Следующий. Вам дверь рынка, видео зарыни куч. Владимир Путин. Обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Владимир Путин. Обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Владимир Путин. Обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Владимир Путин. Обращаются к вам дети. मैं कुछ और अपडेट देने की कोशिश करूंगा आपको। जी मेरे घर पे सब परेशान है, लेकिन मैंने उनको सांत्वना दी है कि मैं सुरक्षित घर वापस आ जाऊंगा। हाँ जी, मेरे पास 10 दिन का खाना है। धन्यवाद अनिल जी उनको रिप्लाई करने के लिए मेरी तरफ से। जब इतने मेरे पुराने फॉलो ये हैं जो मेरे जो मित्रगण हैं जो लाइव में जुड़े हुए हैं मेरे शुरू से, मैं चाहूँगा कि वो पुरानी उनका रिप्लाई करे। थोड़ा मैं जैकेट उतार देता हूँ, अभी फायरिंग डेली हो गई है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मित्रगण इंडिया से फ़ोन कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि जो भी हैं आप रोहल जी आप एक बार के लिए लाइव में सुन लीजिए। मैं अपनी क्योंकि मैं हर किसी को पर्सनली जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप एक बार लाइव में पूछ लीजिए जो भी सवाल पूछना है आपको, मैं आपकी बात का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। जी खाना मैंने 10 दिन का पहले स्टोर कर लिया था, देखिएगा फ्रिज में मैंने अपना जो फ्रिज में दाल अपने दाल का स्टॉक और ये मेरे ओनर का दिया गया फ्रिज है, ये मैंने अच्छे से भर लिया था खाने का। और कुछ मैंने ये मेरे कपड़े मैंने ऐसे ही फेंक गया था जब अटैक हुआ, तो ये मेरा लैब कोट है जो मैं कॉलेज पहन के जाता था लेबोरेटरी के लिए, ये मेरी शर्ट में ऐसे ही फेंक गया था जब अटैक हुआ। देखिए ये मैंने दाल वगैरह अपनी रखी है थोड़ा इन केस एमरजेंसी के केस में, और कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ मैंने सब्जी के पैकेट रखे हैं, देखिए सब्जी फ्रोजन सब्जी आए हैं। मैंने कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से चलूं। जी मैं निकल जाने की कोशिश कर रहा हूँ रवि जी, लेकिन जब तक इंडियन आर्मी नहीं आएगी मुझे ऑर्डर मिले हैं। देखिए बिल्कुल बाहर बिल्कुल अंधेरा हो।